ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। ये तो किसी बालक की पुकार है स्वामी। हाँ, बालक ही है। वो आपको पुकार रहा है, सुन लो उसकी करुण पुकार। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हमारे साथ साथ मातृत्व के लिए वो तुम्हें भी पुकार रहा है। मुझे? मुझे क्यों? वो तो ओम नमः शिवाय कहकर आपको नमन कर रहा है। शिव में शिवा भी तो समाई हुई है। ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे नाम के साथ साथ अपना नाम भी सुनाई देगा। पर ये बालक है कौन? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय पश्चात तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। संवेदनशील हृदय वालों के लिए मैं फूलों का हार हूं, किंतु कठोर और हृदयहीन प्राणियों के लिए मैं कांटा और खार हूं। मैं ओंकार हूं। नारद के प्रोत्साहित करने और इंद्राणी के विरोध करने के उपरांत भी देवराज इंद्र देवगण सहित त्रिपुर देखने जाते हैं। असुर शिल्पी मायासुर के सहयोग से वे त्रिपुर देखकर जब प्रस्थान करने लगे, तभी तीनों असुर भाइयों ने उन्हें घेर लिया और कारावास में डाल दिया। इंद्राणी चिंतित होकर ब्रह्मा के साथ भगवान शिव के पास जाती है। हाँ? अरे उठो राजकुमारी जी, हाँ? सुबह हो गई, सूरज निकलने वाला है, उठो चलकर गाय का दूध निकालो, उठो। मेरा लाडला पुत्र पुरेंदर दूध के बिना रह नहीं सकता, उसे शीघ्र ही दूध चाहिए। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रहा है, उठ। और सुनो, दूध की एक बूंद भी नीचे ना गिरे, और ये भी ध्यान रहे ये गाय तुम्हारे भैया या मामा की नहीं है, ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई हूँ।
यदि ये गाय मैं नहीं लाती तो मेरा निकम्मा पति मुझे और मेरे पुत्र पुरेंद्र को भूखा ही मार देता। हाँ चलो उठो। अरे रे 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 रे, कहा था ना एक बूंद दूध ना गिरे। हाँ सारा दूध गिरा दिया निर्लज करेगा। मामा से भीख मंगवाएगा क्या भांजे? हाँ भाभी गाय की ठोकर से गिर गया, मैं निकाल देती हूँ। चल निकाल जल्दी। ले बेटा आजा आजा काली आजा। पी ले जल्दी जल्दी पी। तू क्या देख रहा है आंखें चौड़ी करके? कुदृष्टि लगाएगा मेरे पुत्र को। हाँ जा हट यहां से, गाय चराने लेकर जा। जा कह रही हूं ना। और दूध पी ले। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है महारानी? घर का कामकाज कौन करेगा? जा। प्रणाम माता। माता आप अकेली इस समय इस वन प्रदेश में कहाँ जा रही हैं आप? ओहो नारद, प्रणाम का उत्तर लिए बिना ही तुमने तो प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। क्षमा माता क्षमा, प्रणाम का उत्तर आप फिर कभी दे देना। इस समय तो आप मुझे केवल ये बताएं कि आप जा कहाँ रही हैं। नारद कैलाश पर मेरा मन नहीं लग रहा था, पुत्रों की स्मृति ने व्याकुल कर दिया है मुझे। दोनों ही मुझसे दूर चले गए हैं। कहाँ चले गए वो दोनों? जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं, बुद्धि स्थिति से विवाह करने के पश्चात गणेश तो अपने ससुराल में जा बैठा है और कार्तिकेय ने श्रीशैल पर्वत पर डेरा डाल दिया है, तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? आप कहीं भी ना जाएं, आप कैलाश की महारानी और हिमालय की राज दुलारी है, आपका इस प्रकार कहीं भी जाना उचित नहीं। माता यदि आप कहती तो भगवान भोलेनाथ आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी कर देते, परंतु प्रतीत होता है माता आप भगवान भोलेनाथ से बिना बताए कैलाश से चली आई हैं। माँ की ममता और पुत्र वात्सल्य ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया है कि मैं उन्हें बताए बिना ही अपने पिता के पास जा रही हूँ। घोर आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भोलेनाथ की इच्छा के बिना पिता के घर जाने का परिणाम क्या आप भूल गए? अनर्थ को आमंत्रित ना करें, कृपया आप कैलाश लौट जाएं। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण रहने देंगे? व्याकुलता ने मुझे कुछ अधिक ही अधीर कर दिया है, मेरा कैलाश लौट जाना ही उचित होगा। कैलाश पति आपसे प्रेरणा पाकर मैंने माता पार्वती को कैलाश लौटाने का कार्य तो पूर्ण कर दिया है, अब मैं स्वयं कैलाश नहीं आ सकता, यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तो आज भी समाधि में लीन है, न जाने पार्वती माता कब लौटेंगी। माता पार्वती आ गई। प्रणाम माता। प्रणाम माता। माता प्रणाम। माता प्रणाम। माता प्रणाम। माता Ah, 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 ah
पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चली गई थी देवी? गई तो थी पर जा न सकी। पर कहाँ और क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए पिताश्री के घर जाने के विचार से निकली थी। पिता के घर बिना निमंत्रण? बिना निमंत्रण तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए देवी। तो क्या करूं? पुत्रों की स्मृति मुझे विकल करती रहती है। बार बार उनका प्रिय मुख मेरी आंखों के सामने आता है, पर न तो मैं उन्हें देख पाती हूँ, न ही उनसे मिल पाती हूँ। इसीलिए सोचा कि स्थान परिवर्तन से संभवतः मन शांत हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, चिंता न करो, तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र दूर होगा। एक ओर देवी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल थी, तो दूसरी ओर एक माँ अपने पुत्र के दुखों से चिंतित थी। सुख दुख विधि के विधान में लिखे होते हैं, जिसका ज्ञान केवल विधि के रचनाकार भोलेनाथ को ही है। देविका की चिंता और उसके पुत्र उपमन्यु के कष्टों का निवारण भी केवल भोलेनाथ के हाथों में ही है। इस भूख से तो अच्छा था अपने गांव में ही भिक्षा मांगकर पेट भर लेते, वहां अपमान था वह तो यहां भी है। मारे भूख के प्राण बाहर आ रहे हैं। मन तो कहता है गाय का दूध पीकर ही अपनी भूख मिटा लूं, है चोरी करने से तो भूखा रहना अच्छा है। माँ, माँ, उपमन्यु बेटा, माँ, इतना काम करके भी भूखा ही रहना पड़ता है तो यह हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। चलो माँ अपने गांव लौट चले। गांव बदलने से भाग्य तो नहीं बदल सकता है पुत्र, हमारे ये दुर्दिन भी समाप्त हो ही जाएंगे। भगवान पर विश्वास रख पुत्र। तुम्हारे और उपमन्यु के लिए एक यजमान ने दिए हैं, तारा को पता चलता तो ये मिष्ठान पुरंदर को दे देती। लो तुम और उपमन्यु खा लो, ये लो। मामा मिष्ठान लाए हो हमारे लिए? हाँ उपमन्यु, ये मिष्ठान तुम्हारे लिए है, लो बेटे। मिष्ठान लड्डू, तुम्हें लाज नहीं आती अपने पुत्र को मिष्ठान ना देकर पराए पुत्र को प्रसन्न कर रहे हो? हाँ, अरे कैसे पिता हो, धिक्कार है ऐसे पिता पर। उपमन्यु क्या पराया है? मेरी बहन का पुत्र क्या पराया है? भांजे पराए होते हैं क्या? ओ हो, भांजे के मामा जग में पहले अपने पुत्र के लिए विचार करते हैं, भांजे के लिए नहीं। और ये दोनों माँ पुत्र, इन्हें तनिक भी लाज नहीं आती, जानती है
पुरंदर के खाए पिए बिना इस घर में कोई कुछ भी खाता पीता नहीं। फिर भी मीठा खाने के लिए न जाने कितने जन्मों से इन माँ पुत्रों की आत्मा व्याकुल थी कि इस मिष्ठान पर आंखें गड़ी हुई हैं। हाँ, आज इन्हें दंड स्वरूप भोजन ही नहीं मिलेगा। हाँ, समझे? चलो तुम अंदर, चलो, चल। माँ, हाँ बेटा, भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, क्या मेरे उपमन्यु के भाग्य में तुमने सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, एक भी सुख नहीं लिखा? भगवान शिव पर आस्था रखो देविका, भगवान शिव पर आस्था रखो। हमारा पुत्र अभागा नहीं, वो शिव कृपा का पात्र बनेगा। उससे कहो कि वो शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे और श्रद्धा के साथ डूब जाए शिव भक्ति में। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा, मंगल ही मंगल होगा। कैलाशपति की जय हो। स्वप्न में भी मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दिए। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है। हे शिव शंकर, मेरे उपमन्यु की हर मनोकामना पूर्ण करना प्रभु, हर मनोकामना पूर्ण करना। Thank you.
अरे 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 ला मुझे दे। भाभी थोड़ा सा दूध उपमन्यु को दे देती, बहुत दिनों से इसने दूध नहीं पिया है। बहुत दिनों से नहीं पिया तो क्या हुआ, इसके पेट में पीड़ा हुई नहीं हुई ना, तो बस और बहुत दिन तक नहीं पिएगा तो कुछ नहीं होगा इसे। विधाता तेरी रक्षा करे बेटा, भाभी थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारा बहुत उपकार होता। देखो ननन जी, दूध के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए धन, और धन के लिए भाग्य चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं। वो होता तो तुम यहाँ क्यों आती। अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में दूध है ही नहीं। मुझे दूध चाहिए, दूध दूध, मुझे दूध दो माँ, दूध 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 दूध, मुझे दूध चाहिए, दूध दूध। मैं लाती हूँ दूध 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 सागर प्रदान करेंगे। तेरे पिता की भी यही इच्छा थी पुत्र कि तू शिव की आराधना करे। शिव की आराधना कर पुत्र, सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूं, शिव की आराधना कर। पुत्र उपन्यु तुझे दूध पीना है ना, अरे तो शिव की आराधना कर, वे तुझे दूध का सागर प्रदान करेंगे। शिव की आराधना कर, शिव की आराधना कर पुत्र। हाँ माँ, मैं शिव की आराधना करूंगा, अवश्य करूंगा। अब मैं घर नहीं आऊंगा, दूध के लिए नहीं
तुम्हारी दुख दूर करने के लिए मैं शिव की आराधना करूंगा। जब मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा तब तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा माँ। तुम सब घर लौट जाओ। यदि बता सको तो मेरी माँ को बता देना कि मेरी चिंता न करे। उससे कहना कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आज्ञा का पालन कर भगवान शिव की शरण में चला गया है। जाओ गौ माताओं, घर चली जाओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु, हाय हाय हाय, कहाँ गया? मेरी काली गाय भी नहीं है। तेरा चोर पुत्र मेरी काली गाय लेकर भाग गया। दूध पीना था ना उसे, इसीलिए लेकर भाग गया। नहीं नहीं, मेरा पुत्र चोर नहीं है। अवश्य गाय कहीं भटक गई होगी, वो उसे ही खोजने गया होगा। गाय मिलते ही वो उसे लेकर आ जाएगा। अब क्या आएगा वो चोर? उसके मन में तो पहले से ही खोट था। दूध का भूखा गाय ले उड़ा, अपनी माँ को छोड़ गया, गाय ले भागा। अब नहीं आएगा वो। नहीं, मैं उसे लेकर आऊंगी। उपमन्यु, उपमन्यु, पुत्र उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या है? यह तो भगवान शिव का पार्थिव लिंग है। अब तो मैं यहाँ बैठकर ही आपकी आराधना करूंगा, पर इससे पहले पूजा के लिए फूल पत्र ले आता हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। उपमन्यु, अरे कहाँ ढूंढूं तुझे मैं? अकेली लौट कर वहां जाऊं कैसे उपमन्यु? अरे वहां ना जाऊं तो फिर कहां जाऊं? उपमन्यु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो किसी बालक की पुकार है स्वामी। हाँ, बालक ही है। वो आपको पुकार रहा है, सुन लो उसकी करुण पुकार। मुझे ही नहीं, तुम्हें भी। हमारे साथ साथ मातृत्व के लिए वो तुम्हें भी पुकार रहा है। मुझे? मुझे क्यों? वो तो ओम नमः शिवाय कहकर आपको नमन कर रहा है। शिव में शिवा भी तो समाई हुई है। ध्यान से सुनो, तुम्हें हमारे नाम के साथ साथ अपना नाम भी सुनाई देगा। पर ये बालक है कौन? प्रतीक्षा करो देवी, कुछ समय पश्चात तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्यों री, तू तो अपने पुत्र को लेने गई थी, फिर अकेली क्यों चली आई? हाँ, तेरा चोर बेटा अब वापस आएगा? हाँ, गाय के थन में मुंह लगा के कहीं पे दूध पी रहा होगा। नहीं, वो गया तो जा, अब तू भी चली जा। नहीं, चल नहीं। निकल जा यहाँ से। अरे तारा, निकल कर कहाँ जाएगी मेरी बहन? कहीं भी जाए, हमें उससे क्या? एक तो इसका पुत्र उपमन्यु कहीं चला गया, वो उसी दुख में दुखी है। दूसरा, तुम उसे निकालोगी तो स्थिति क्या होगी इसकी? तुम्हें इसकी और इसके पुत्र की बड़ी चिंता है, मेरी काली गाय की नहीं, उसका कोई दुख नहीं। तारा, गाय तो मूल्य देकर भी मिल जाएगी, पर क्या पुत्र मूल्य देकर भी मिलते हैं? मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। भूले भटके से जिस दिन भी इसका पुत्र मिल जाएगा, उस दिन से ये यहाँ नहीं रहेगी, समझे? तारा, भैया, अपमन्यु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु नमः शिव आराधना में निमग्न है। ओम नमः शिवाय। इसकी भाव भंगिमा और मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है जैसे शिव भक्तों में अपना नाम अवश्य अमर करेगा। नारायण नारायण। परंतु ये नाम अपना अमर तब करेगा जब इसकी ये पुकार भगवान भोलेनाथ तक पहुंचेगी। प्रश्न ये उठता है कि अब तक इसकी पुकार भोलेनाथ तक क्यों नहीं पहुंची? यहाँ प्रश्न उठाने से क्या लाभ होगा नारद? प्रश्न तो वही उठना चाहिए जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हो। नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। नाथ, आप कहाँ अदृश्य हो गए? नारायण नारायण नारायण। अरे, भगवान भोलेश्वर कहाँ चले गए? माता पार्वती, मेरा प्रणाम स्वीकार करते हुए आप मुझे ये बताएं कि आपने भगवान भोलेनाथ को कहाँ भेज दिया? नारद, वे मेरे भेजे हुए कहीं जाते हैं क्या? जब उनका भक्त उनका नाम भजता है तो वो भागते हैं, फिर वे किसी की नहीं सुनते। नारायण नारायण। समझ गया माता, मैं समझ गया। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त
बालक उपमन्यु से प्रभावित होकर उसके पास गए होंगे। ऐसा ही हुआ होगा देव ऋषि, ओम नमः शिवाय की ध्वनि से कैलाश कंपायमान हुआ था। कैलाश ही नहीं, भक्त की पुकार पर तो तीनों लोग कंपायमान होते हैं नंदी महाराज। ये निश्चित ही बालक उपमन्यु की भक्ति का प्रभाव था। मैं तो यहां आया था भोलेनाथ के दर्शन के लिए, किंतु वो चले गए अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो अब क्या करोगे नारद? वहीं जाऊंगा जहां भगवान गए हैं और उनके शेष दर्शन करूंगा। शेष दर्शन अर्थात? अर्थात ये माता, आपके दर्शन से भगवान भोलेनाथ के आधे दर्शन तो हो जाते हैं जो कि हो गए हैं, और अब मैं वहां जा रहा हूं जहां भोलेनाथ गए हैं, और अब वहीं जाकर उनके शेष आधे दर्शन कर लूंगा। नारद, ऐसा भी तो होता होगा कि केवल भोलेनाथ के दर्शन कर लेने से मेरे भी आधे दर्शन हो जाते होंगे? नहीं माता, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं होता। माता, ये सत्य केवल एक मार्गी यात्रा करता है। एक मार्गी यात्रा कैसी होती है नारद? माता, आपके दर्शन से भोलेश्वर के दर्शन तो हो जाते हैं, परंतु उनके दर्शन से आपके दर्शन कदापि नहीं होते। पर क्यों? वो इसलिए माता कि आप शक्ति हैं और वो शिव। मूल प्रेरणा स्रोत तो आप है, नारी ही तो मूल प्रेरणा होती है। नारद, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हें ये नारी ज्ञान कब और कहां हो गया? यदि कोई विचार है विवाह का तो कन्या देखी जाए तुम्हारे लिए। शिव 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 नारायण नारायण।